हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल ज्ञान। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स दोज व्यूअर्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। सेकेंडली थैंक्स उनका जिन्होंने हमारी हर एक एजुकेशनल वीडियो को लाइक किया। और हाँ, फाइनली थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स शेयर करते हुए हमारी एजुकेशनल वीडियोस को अप्रिशिएट किया। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई इंसान हमें उस टाइम अपना फेवर दे जिस वक्त हमें रियली उसकी ज़रूरत है, मतलब एन मौके पे उसने आके चौका मार दिया और आपकी हेल्प की, तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? थैंक्स, थैंक यू, या फिर थैंक्स अ लॉट, राइट? बट फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि थैंक्स, थैंकिंग यू, थैंक्स अ लॉट, ये सब ओल्ड मेथड्स हैं किसी का भी शुक्रिया करने के लिए? सो आज के इस ट्यूटोरियल में आई एम गोना इंट्रोड्यूस सम एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फ्रेजेस टू से थैंक्स, जिन्हें यूज करके आप बना सकते हो अपने थैंक्स कहने के स्टाइल को बहुत ही खास और इम्प्रेसिव। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आवर फर्स्ट फ्रेज इज यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ये फ्रेज आप तब यूज कर सकते हो व्हेन समवन हेल्प्स यू इन योर फेवर, मतलब जब आपको किसी का फेवर चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए और उस बंदे ने आके आपको फेवर दिया और आपकी हेल्प की, तो आप थैंक्स कहने के बजाय उसे कह सकते हो यू आर ग्रेट। इसका मतलब भी है शुक्रिया। नेक्स्ट फ्रेज है यू आर अ डियर, यू आर अ डियर, मतलब एक प्यारा सा थैंक्स किसी प्यारी सी हेल्प के लिए, किसी इंसान ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हेल्प की है, प्यारी सी हेल्प की है, तो आप एक प्यारा सा थैंक्स कह सकते हो उसे ये कह के यू आर अ डियर। नेक्स्ट फ्रेज है आई ओ यू वन, आई ओ यू वन, यानी किसी ने आपकी बहुत ही दिल से हेल्प की और आप दिल से ही शुक्रिया कर रहे हो और कह रहे हो कि आपकी इस मेहरबानी का मुझ पर उधार रहा, ठीक है? तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो आई ओ यू वन। नेक्स्ट फ्रेज है यू आर टू काइंड, यू आर टू काइंड, यानी कि आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हो और मैं आपका थैंक्स करता हूं क्योंकि आपने मेरी हेल्प की, यू आर टू काइंड। नेक्स्ट फ्रेज है यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर, इट मीन्स जब आपकी लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा हो और अचानक से किसी ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब थैंक्स तो करना बनता ही है ना, देन यू विल से यू आर अ लाइफ सेवर। नेक्स्ट फ्रेज है यू आर एन एंजल, मतलब जब किसी ने आपकी बहुत ही बड़ी हेल्प की तब आप कहते हैं कि तुम तो सच्ची फरिश्ता हो मेरे लिए और रब ने तुम्हें भेजा ही मेरी हेल्प करने के लिए है, सो मेरी लाइफ में तुम एक फरिश्ता हो, तब आप थैंक्स करने के लिए ये फ्रेज यूज कर सकते हो कि यू आर एन एंजल। नेक्स्ट फ्रेज है थैंक्स अ बंच, इसका मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिस फ्रेज इज रियली ऑसम। नेक्स्ट फ्रेज है You are the best, मतलब तुम तो सबसे अच्छे हो, आफ्टर ऑल तुम ही हो जिसने मेरी मदद की है। नेक्स्ट फ्रेज है You saved my day, You saved my day, right? मतलब किसी ने आपकी हेल्प उस वक्त पे की, उस टाइम पे की जब आप बहुत ही मुश्किल में हो, लाइक जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, और कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है आपका, या फिर आप कॉलेज में या स्कूल में कोई असाइनमेंट जो है वो कवर अप कर रहे हो, तो आपकी किसी फ्रेंड ने एन मौके पे एट द लास्ट मोमेंट आके आपका टाइम भी बचा दिया और आपकी हेल्प भी कर दी, तो आप कह सकते हो यू सेव्ड माई डे। ये भी थैंक्स करने का एक यूनिक मेथड है। नेक्स्ट है फ्रेज
I am very thankful, यानी कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. Next phrase है I am touched, I am touched, यानी कोई ऐसी help या कोई ऐसा surprise जो बस आपके दिल को छू जाए, तब आप इस phrase को as a thanks कह सकते हो. I am touched. Next phrase है my gratitude no bounds. My gratitude no bounds, यानी आपने मेरी help कर दी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा help मेरी की है. Next phrase आप use कर सकते हो thanks a million. Thanks a million, यानी लाखों बार thanks, क्योंकि आपने मेरी help की एंड वक्त पर जब मुझे उसकी बहुत ही ज़रूरत थी. Next phrase है I don't know what I would do without you. I don't know what I would do without you. मतलब कि मुझे नहीं पता कि बिना आपके मैं क्या करूँगा. मतलब आप मेरी इतनी हेल्प करते हो कि मुझे बस ये सूझता ही नहीं कि मैं क्या करूँगा विदाउट यू एंड विदाउट योर हेल्प. तो ये थैंक्स करने का एक बहुत ही स्टाइलिश तरीका है. And the last phrase is, I don't have words to thank you. I don't have words to thank you. यानी मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया करूं कैसे, because आपकी help के सामने मेरा thanks बहुत ही ज़्यादा छोटा है. So guys, ये थे कुछ ऐसे phrases जिन्हें use करते हुए आप अपने boring से thanks को बना सकते हैं बहुत ही interesting और impressive. And I'm damn sure कि आज से ही आप भी इन सब phrases को use करोगे according to the suitable situation. So that's all about today's tutorial and I hope you are enjoying our each tutorial and gaining lots of interesting knowledge. So keep learning and keep watching Global Gyan. Thanks a bunch.